यहाँ पर हम देख रहे थे रोटरी स्विच के बारे में। तो यहाँ पर रोटरी स्विच में हम देखते हैं जो चार पोजीशन वाले स्विच हैं, 0, 1, 2, 3 वाले पोजीशन वाले हमने देखे थे। अब देखेंगे हम एच एम सी एस। ये स्विच किस टाइप का है? एच एम सी एस है, ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच है। ये ट्रैक्शन मोटर का कटआउट स्विच है। अब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पर जैसे जो इसकी पोजीशन होती है 1, 2, 3, 4, जैसे हमारे पास में HCMS1 ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच 1 है, इसी तरीके से HCMS ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच 2 है। और यहाँ पर हमारी जैसे कि 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर की बात करें, HCMS1 है, इसमें जो ट्रैक्शन मोटर होती है, ट्रैक्शन मोटर यहाँ पर 1, 2, 3 हमारी क्या होंगी? सर्विस में होंगी। ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 जब ये HCMS1 स्विच 1 पोजीशन पर होगा, ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 हमारी सर्विस में होगी। इसके साथ ही साथ हमारा जो इसके लाइन कॉन्टैक्टर हैं, लाइन कॉन्टैक्टर 1, 2, 3 भी हमारे सर्विस में होंगे। इसी तरीके से HCMS2 की बात करें, HCMS2 में क्या होगा? HCMS2 में जो ट्रैक्शन मोटर हमारी टोटल 6 होती हैं, उनमें आगे वाली ट्रैक्शन मोटर काम करेंगी। ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 यहाँ पर सर्विस में होगी। और इसमें लाइन जो कॉन्टैक्टर हैं, लाइन कॉन्टैक्टर हमारे 4, 5, 6 यहाँ पर सर्विस में होंगे, यानी कि ये काम करेंगे। अब मान लीजिए सेकंड पोजीशन की बात करते हैं, ये तो होगी हमारी फर्स्ट पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन की बात करते हैं, सेकंड पोजीशन में क्या होने वाला है? सेकंड पोजीशन में हमारी ट्रैक्शन मोटर 1 है, वो सिर्फ काम करेगी। ट्रैक्शन मोटर 1 है, वो आइसोलेट होगी। और ट्रैक्शन मोटर 1 आइसोलेट होगी, यानी ट्रैक्शन मोटर 1 काम नहीं करेगी और लाइन कॉन्टैक्टर 1 काम नहीं करेगा। ये दोनों क्या होंगे? आइसोलेट होंगे, यानी ये काम नहीं करेंगे। बाकी हमारी जो है ट्रैक्शन मोटर 2, ट्रैक्शन मोटर 3, लाइन कॉन्टैक्टर 2, लाइन कॉन्टैक्टर 3, बाकी हमारे जो शेष बचे हैं इसमें, वो सर्विस में होंगे, यानी कि काम करेंगे। इसी तरीके से हम इसमें देखें, इसमें क्या होता है, HCMS2 में हमारी जो ट्रैक्शन मोटर है 4 और लाइन कॉन्टैक्टर है 4, वो लाइन कॉन्टैक्टर 4 है, ये दोनों यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और बाकी जो हैं, बाकी जो मोटर बची हैं हमारे पास में, जैसे शेष जो मशीन है, ट्रैक्शन मोटर 5 काम करेगी, ट्रैक्शन मोटर 6 काम करेगी, लाइन कॉन्ट्रैक्टर 5 काम करेगा, लाइन कॉन्ट्रैक्टर 6 काम करेगा, यानी ये सर्विस में होंगे। इसी तरीके से थर्ड पोजीशन के लिए बात करें, हमारी थर्ड पोजीशन में जो ट्रैक्शन मोटर 2 है वो काम नहीं करेगी और लाइन कॉन्ट्रैक्टर 2 है, ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और बाकी जो बचे हैं वो काम करेंगे। कौन कौन से बचे हैं? ट्रैक्शन मोटर 1 काम करेगी, ट्रैक्शन मोटर 3 काम करेगी, लाइन कॉन्ट्रैक्टर 1 काम करेगा, लाइन कॉन्ट्रैक्टर 3 काम करेगा। इसी तरीके से हम HCMS2 में देखते हैं, HCMS2 में क्या होगा? ट्रैक्शन मोटर 5 और लाइन कॉन्ट्रैक्टर 5 है, ये कहाँ पर काम नहीं करेगी। और हमारी जो बाकी जो ट्रैक्शन मोटर बची हैं, जैसे ट्रैक्शन मोटर 4 और ट्रैक्शन मोटर 6 काम करेगी, लाइन कॉन्ट्रैक्टर 4 और लाइन कॉन्ट्रैक्टर 6 यहाँ पर काम करेगा। फिर फोर्थ पोजीशन पर देखते हैं, फोर्थ पोजीशन पर क्या होता है? फोर्थ पोजीशन पर हमारा जो ट्रैक्शन मोटर 3 है और लाइन कॉन्ट्रैक्टर 3 है, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। बाकी ट्रैक्शन मोटर 1 और 2 यहाँ पर काम करेगी, लाइन कॉन्ट्रैक्टर 1 और 2 यहाँ पर काम करेगा। जबकि HCMS2 में हम देखें, ट्रैक्शन मोटर 6 है और लाइन कॉन्ट्रैक्टर 6 है, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, यानी आइसोलेट हो जाएगा। और हमारी बाकी जो हैं, ट्रैक्शन मोटर 4 और 5 यहाँ पर काम करेगी और लाइन कॉन्ट्रैक्टर 4 और 5 यहाँ पर काम करेगा। अब नेक्स्ट स्विच की बात करते हैं, नेक्स्ट स्विच है हमारा 8 पोजीशन वाला स्विच, जिसको बोलते हैं HCP स्विच। इसमें 8 पोजीशन होती हैं। HCP स्विच कंप्रेसर का स्विच है, इसमें 8 पोजीशन होती हैं। तो हम कह सकते हैं मेन कंप्रेसर के स्विच, मेन कंप्रेसर हमारे 3 होते हैं। जैसे ये 8 पोजीशन किस तरीके से बनती हैं? 0, HCP स्विच 8 पोजीशन वाला है,
और ये तीन कंप्रेसरों के लिए लगा होता है। मेन कंप्रेसर के लिए स्विच है, ये कंप्रेसर स्विच है, कंप्रेसर स्विच। और जो हमारे पास में तीन कंप्रेसर होते हैं, मेन कंप्रेसर, मेन MCP1, MCP2 और MCP3, इनके लिए ये लगा होता है। तो हम बात करते हैं जीरो पोजीशन पर। जीरो पोजीशन पर क्या होगा, ये कोई भी कार्य नहीं करेगा यहाँ पर, यानी ना तो MCP1 कार्य करेगा, ना MCP2P कार्य करेगा, ना MCP3 कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं वन, जो MCP1, 2, 3 ये काम नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं वन पोजीशन पर। वन पोजीशन पर क्या होगा, वन पोजीशन पर हमारा सिर्फ MCP जो वन है वही काम करेगा, MCP1 काम करेगा। और इसका जो साथ में MCP1 जो काम करेगा, इसके साथ में जो काम करेगा वो C101 है। फिर टू पोजीशन में बात करें, इसका कोड क्या है, इसमें टू पोजीशन में MCP2 काम करेगा और इसके लिए C102 हो जाएगा। इसी तरीके से थ्री पोजीशन के लिए MCP3 काम करेगा और यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी C103। नेक्स्ट हम देखें अगली जो पोजीशन है, जैसे कि मान लीजिए पोजीशन वन और टू के बीच में है, वन और टू के बीच में है, तो हमारा MCP1 और 2 कार्य करेगा। वन टू पोजीशन पर है तो हम कैसे लिखते हैं कि MCP1 और 2 यहाँ पर कार्य करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए पोजीशन वन और थ्री है, तो हम कह सकते हैं कि MCP है, वन और थ्री काम करेगा। मान लीजिए पोजीशन टू और थ्री है, तो हम कह सकते हैं कि MCP 2 और 3 काम करेगा। और मान लीजिए पोजीशन 1, 2, 3 इस पोजीशन पर है, तो हमारा MCP है वो 1, 2, 3 कार्य करेंगे। तो इस तरीके से इसकी 8 पोजीशन बनती है। अब इसमें MCP क्या करता है, MCP ये किस लिए काम ले जाता है, MCP यहाँ पर हवा का प्रेशर बनाने के लिए काम लेंगे, हवा का प्रेशर बनाने के लिए, हवा का प्रेशर बनाने के लिए। अब ये हवा का प्रेशर है MCP से कहाँ जाता है, MCP से मेन रिजर्वायर में जाता है। और मेन रिजर्वायर होते हैं हमारे चार, MR1, MR2, MR3 और MR4। ये जो चार मेन रिजर्वायर होते हैं, और हवा का प्रेशर MCP, हवा का जो प्रेशर है ये इन रिजर्वायर में जाता है। तो MCP अगर एक भी काम कर रहा है तो भी चारों के अंदर डिवाइड होकर के ये हवा का प्रेशर जाता है। तो MR मेन रिजर्वायर में हवा का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम MCP को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो तीनों MCP काम ले लेंगे, कम प्रेशर चाहिए तो ये 2 और 3 या 1 और 3 काम ले लेंगे, और कम चाहिए तो MCP 1 अकेला काम ले लेंगे। इस तरीके से हम काम लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूज के बारे में। जैसे फ्यूज और स्विच हैं जो हमने देखे थे, फ्यूज में और स्विच में क्या अंतर होता है, उसके बाद में हम देखेंगे कॉन्टैक्टर। तो फ्यूज, स्विच और कॉन्टैक्टर तीनों का में कन्फ्यूजन होता है कई बार। तो फ्यूज जो होते हैं हमारे, वो होते हैं सेल्फ प्रोटेक्टेड। सेल्फ प्रोटेक्टेड मतलब कि अपने आप ये मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने के बाद में ये वापस से ऑपरेट नहीं होंगे, चेंज करना होता है फ्यूज। और ये फ्यूज जो सेल्फ प्रोटेक्टेड होते हैं, ये ऑपरेट होते हैं लो करंट, यानी इनकी जो लिमिट होती है लो करंट और हाई वोल्टेज पर ये मेल्ट हो जाते हैं। हाई वोल्टेज की कंडीशन में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं हमारे स्विच। स्विच भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए काम आते हैं, लेकिन ये मैन्युअली ऑपरेटेड होते हैं और सर्किट को जोड़ और तोड़ सकते हैं। अब ये या फ्यूज है, ये सिर्फ सर्किट को तोड़ सकता है, सर्किट को तोड़ सकता है फ्यूज। जबकि स्विच है, ये क्या कर सकता है, सर्किट को तोड़ भी सकता है और सर्किट को जोड़ भी सकता है। और दूसरा क्या होता है, ये मैन्युअली ऑपरेटेड होता है। तीसरा होता है हमारे पास में कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्या होता है, मीडियम वोल्टेज या हाई वोल्टेज पर और मीडियम करंट पर काम करते हैं ये, मीडियम वोल्टेज या फिर हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज, और ये मीडियम करंट पर काम करता है, मीडियम करंट पर ये काम करेगा।
अब हम बात करते हैं जैसे कॉन्टैक्टर होते क्या हैं। वह विद्युत उपकरण जो किसी सर्किट को रिमोटली तोड़ता है या जोड़ता है। तो ये सर्किट को क्या करेगा कॉन्टैक्टर, सर्किट को रिमोटली या तो तोड़ने का काम करेगा या फिर सर्किट को ये जोड़ने का काम करेगा। अब ये कॉन्टैक्टर काम कैसे करते हैं, कॉन्टैक्टर में क्या होता है, एक इस तरीके से यहाँ पर रिले लगी होती है। अब एक ये जो रिले है इसको हम सप्लाई देते हैं, मान लीजिए प्लस माइनस लगा करके 110 वोल्ट की बैटरी से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। तो जब इसको बैटरी से सप्लाई देते हैं तो ये रिले एनर्जाइज होगी, और रिले एनर्जाइज होगी तो यहाँ पर लगे होते हैं कॉन्टैक्टर, जैसे कि ये हमारा कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर को दी जाती है एच वी सप्लाई। अब जैसे ही रिले को हम एनर्जी देते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ये शो करेगी यहाँ पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के द्वारा ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर ये टच हो जाएंगे और कॉन्टैक्ट यहाँ पर बन जाएगा। और कॉन्टैक्ट जैसे ही बनेगा तो यहाँ से जो इस पॉइंट पर जो हाई वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो इधर चली जाएगी, और इधर से जिस भी डिवाइस के अंदर ये, जैसे मान लीजिए ये सप्लाई मोटर के लिए जानी है तो ये मोटर के लिए सप्लाई चली जाएगी। और जैसे ही हम रिले को डी एनर्जाइज करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएगी, कॉन्टैक्ट है यहाँ से जो कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट हैं ये वापस से हट जाएंगे और सप्लाई मोटर पर बंद हो जाएगी। इस तरीके से इसको काम में लिया जाता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कॉइल डी एनर्जाइज करने पर, जब कॉइल हमारी डी एनर्जाइज होती है, जब कॉइल को हम सप्लाई नहीं देते हैं तो कॉन्टैक्टर हमारे ओपन होते हैं, और कॉइल को सप्लाई देने पर कॉन्टैक्टर हमारे क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉइल हमारी मैग्नेट बनाती है। अब जैसे मान लीजिए सिंगल फेज कॉन्टैक्टर भी हम यूज करते हैं, थ्री फेज में थ्री फेज कॉन्टैक्टर हम यूज करते हैं, तो कॉइल के ऊपर जो लगे होते हैं वो इंटरलॉक लगे होते हैं, जैसे कि ये इंटरलॉक है कॉइल के ऊपर लगा हुआ है, इस तरीके से कॉइल के ऊपर इंटरलॉक है, जैसे कि यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं इंटरलॉक, ये कॉइल के ऊपर इंटरलॉक लगे होते हैं। तो कॉइल के ऊपर इंटरलॉक लगे होते हैं, और जैसे ही कॉइल को हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने पर हमारा क्या होता है, NCI जो इंटरलॉक है वो ओपन हो जाता है, और जो NOI इंटरलॉक है हमारा वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्टैक्टर में टाइप्स, जो कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर में EMC की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, EMC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस तरीके से काम करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी हमारी कॉइल के द्वारा एनर्जाइज होते हैं। मान लीजिए कि ये कॉइल है, ये यहाँ पर कनेक्ट की गई है। अब कॉइल में मान लीजिए यहाँ पर हवा का प्रेशर है, जैसे इसमें होकर के हवा का प्रेशर जा रहा है, हवा का प्रेशर। अब ये हवा का प्रेशर है, यहाँ पर हाई वोल्टेज के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, इस जगह पर हाई वोल्टेज का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके द्वारा सप्लाई जा रही है मोटर को। अब ये हवा का प्रेशर यहाँ तक तो जाएगा जाएगा, लेकिन यहाँ के बाद में ये हवा का प्रेशर है ये आगे नहीं जाएगा, जब तक हम इसको किसको कॉइल को क्या नहीं देते हैं, सप्लाई नहीं देते हैं। और जब हम इस कॉइल को सप्लाई देंगे तो कॉइल को सप्लाई देने पर ये हवा का प्रेशर यहाँ से आगे जाएगा, और इस कॉन्टैक्ट है ज़्यादा प्रेशर जैसे बढ़ाएंगे कॉइल को एनर्जाइज करके ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट है जॉइंट हो जाएगा, और जॉइंट होने के बाद में सप्लाई मोटर को चली जाएगी। तो ये इस तरीके का जो कॉन्टैक्टर बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, यानी कि कॉइल को सप्लाई देने पर यहाँ पर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट की वजह से यहाँ का जो हवा का प्रेशर है वो सप्लाई, हवा के प्रेशर की सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगी और ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि तीन यहाँ पर फ्लेक्सिबल शंट लगे होते हैं, और जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है उसके ब्लैक बॉक्स के नीचे यहाँ पर कॉइल होती है, और उस कॉइल को हम एनर्जाइज करते हैं। और हम बात करें कि WAP जो फोर होता है, एक इंजन होता है WAP 4 जो कि पैसेंजर होता है, पैसेंजर गाड़ी के लिए यूज किया जाता है, उसमें 24 शंटिंग कॉन्टैक्टर होते हैं, शंटिंग कॉन्टैक्टर। तो इसमें हमें ये याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में कि कॉइल जब सप्लाई करते हैं कॉइल को तो यहाँ पर मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट्स जब बनता है
तो मैग्नेट बना करके लीवर उठा देगा। अब ये मैग्नेट जो बनेगा वो क्या करेगा, लीवर को उठा देगा। अब वो लीवर को जब उठा देगा, मैग्नेट बनेगा लीवर को उठा देगा, और लीवर उठा करके इसके अंदर मैन कॉन्टैक्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये लीवर उठेगा, लीवर उठने के बाद में ये वाला जो पोर्शन है इसके जाके चिपक जाएगा और ये कॉन्टैक्टर बन जाएगा। और इंडिकेशन के लिए यहाँ पर इंटरलॉक लगे होते हैं कि ये कॉन्टैक्टर चिपक गया नहीं चिपक गया है, इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर क्या लगे होते हैं, इंटरलॉक लगे होते हैं। तो जैसे हम बात करें कि नीचे अगर इसको ऑपरेट कराना है, मैनुअली ऑपरेट कराना है, तो इसके नीचे पट्टी में एक प्लंजर को दबाया जाता है और लीवर के ऊपर छोटे छोटे इंटरलॉक लगे होते हैं। और हमारा एनसीआई है, जैसे ही कॉइल को सप्लाई देते हैं तो एनसीआई हमारा क्या हो जाता है, कॉइल को जो सप्लाई देते हैं एनसीआई हमारे ओपन हो जाते हैं, और एनओआई है हमारे क्लोज हो जाते हैं, यानी इंटरलॉक की पोजिशन चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि थ्री फेज ईएमसी कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से हैं। तो एमसीपी के कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर, एमसीपी के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हमारे पास में C101, C102, C103, C105, C106, C107 और C108। और ये C108 है, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो C118 है, ये जो C118 है हमारा, ये कहलाता है सिंगल फेज का कॉन्ट्रैक्टर, सिंगल फेज का कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। अब हम बात करते हैं ईपीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब हम देखें ईपीसी, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर हम देखते हैं, ईपीसी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या होता है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर। इलेक्ट्रो न्यूमेटिक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसमें ईपी बल्ब का कंट्रोल किसी स्विच से होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर में एक ईपी बल्ब होता है और उस ईपी बल्ब का जो कंट्रोल है वो स्विच के हाथ में होता है, यानी उसका कंट्रोल यहाँ पर स्विच के द्वारा होता है। और जब से हम बात करें कि ईपी बल्ब एनर्जाइज होगा, और जब ये ईपी बल्ब को हम सप्लाई देते हैं, जब ये ईपी बल्ब यहाँ पर एनर्जाइज होगा, ईपी बल्ब का कंट्रोल स्विच के द्वारा होता है, तो लाल पाइप की हवा कॉन्ट्रैक्टर को क्लोज कर देती है। तो इसमें ईपी बल्ब जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ पर एक लाल पाइप की हवा होती है, लाल पाइप लगे होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर में, इलेक्ट्रोनिमिटी कॉन्ट्रैक्टर में, वो लाल पाइप की जो हवा है वो क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्टर को क्लोज कर देती है। और इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर लाइन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, L1 से L6 लाइन कॉन्ट्रैक्टर, और C145 और वेज में शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और WAG है वेज 5 में जो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर या मालगाड़ी में जो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 18 शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर होते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिमिटी कॉन्ट्रैक्टर में जो ईपी बल्ब है उसका कंट्रोल स्विच के द्वारा होता है, और ईपी बल्ब को जैसे ही सप्लाई देते हैं तो लाइल पाइप की हवा है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देती है। अब देखते हैं कैम कॉन्ट्रैक्टर, अगला है हमारा कैम कॉन्ट्रैक्टर, कैम कॉन्ट्रैक्टर। कैम कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से होते हैं, अलग अलग समय पर ये कैम कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होते हैं, इस तरीके से लगे होंगे 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3, ये अलग अलग समय पर ऑपरेट होते हैं। कैम कॉन्ट्रैक्टर क्या है, अलग अलग समय पर ये ऑपरेट होते हैं। और यहाँ पर ग्रेजुएटर की बात करें, जो ग्रेजुएटर होता है CGR, ग्रेजुएटर 1 2 3, ये ग्रेजुएटर होते हैं। तो ये ग्रेजुएटर जो है हमारे, जैसे कि ग्रेजुएटर 1 है, ग्रेजुएटर 2 है, ग्रेजुएटर 3 है, इसके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कैम कॉन्ट्रैक्टर के, वो अलग अलग समय पर ऑपरेट होते हैं, यानी ग्रेजुएटर के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। अब बात करते हैं ड्रम कॉन्ट्रैक्टर, ड्रम कॉन्ट्रैक्टर क्या है, इनका जो डिजाइन है वो ड्रम के जैसा है,
इतना है, और इनका जो ऑपरेशन है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के जैसा है। यानी इसकी कार्य प्रणाली कैसी है? इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर के जैसी है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के जैसी इसकी कार्य प्रणाली है। ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ईपी बल्ब लगे हुए हैं ड्रम कॉन्ट्रैक्टर में, जैसे कि हमारा जो ईपीसी है उसमें ईपी बल्ब लगे हुए थे, यहाँ पर भी ऑपरेट करने के लिए ईपी बल्ब लगे हुए हैं। और एक बल्ब में एक बल्ब ही यहाँ पर ओपन होता है, जो ईपी बल्ब लगे होते हैं उसमें एक बल्ब यहाँ पर ओपन होता है एक बार के अंदर। और हैंडल से पोजीशन हम सामान लेंगे, हैंडल से पोजीशन हम समझ लेंगे कि कौन सा बल्ब है वो ओपन है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? हैंडल की पोजीशन से, कि हैंडल की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम कौन देख लेते हैं कि कौन सा ईपी बल्ब क्लोज है। और यहाँ पर ये किसके लिए ड्रम कॉन्ट्रैक्टर है? CTAF 1 2 3, इस तरीके के हमारे ड्रम कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। अब है कॉन्ट्रैक्टर को बेज करना। कॉन्ट्रैक्टर को बेज किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है बेज? तो यहाँ पर देखते हैं हम वेज करना, तो कॉन्ट्रैक्टर को वेज करना ये हम देखते हैं। करंट कॉइल पर्याप्त मैग्नेट नहीं दे पाती है। कई बार क्या होता है, जो कंट्रोल कॉइल हम लगाते हैं, कंट्रोल कॉइल, वो पर्याप्त मैग्नेट नहीं देते हैं, और पर्याप्त मैग्नेट नहीं देगी तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉइल में सप्लाई भी नहीं आ रही है, या तो पर्याप्त मैग्नेट नहीं दे रही है या कॉइल में सप्लाई नहीं है, कहीं से सप्लाई ब्रेक हो गई है। तो हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर को मैन्युअली क्लोज करना होता है। और मैन्युअली क्लोज करने की जो विधि है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर को वेज करना। हमें ये ध्यान रखना है कि C118 कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी भी वेज नहीं होगा, कभी भी हम उसको वेज नहीं करेंगे। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको हम बेच करते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 101, 102, 103, 105, 106, 107 को बेच कर किया जाता है, वेज कर सकते हैं। अब वेज करते कैसे हैं? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं E101, 102, 103, 105, 106, 107, इसमें नीचे एक कॉइल टर्मिनल दिया जाता है। नीचे की साइड हम देखेंगे तो नीचे एक कॉइल का टर्मिनल होगा, ब्लैक कलर का कॉइल टर्मिनल, उसको हम एनर्जाइज करेंगे। अब वो कॉइल से क्या होता है, मैग्नेट बनता है, तभी हमारा लीवर, जैसे कॉइल से क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट बनने के बाद में हमारा जो लीवर उठता है, और लीवर उठने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होता है। लेकिन कॉइल में सप्लाई नहीं जाती है, कि किसी कारण से भी कॉइल में अगर सप्लाई नहीं जा रही है, तो कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगी तो मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा लीवर नहीं उठेगा, लीवर नहीं उठेगा तो कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को हमें मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर को वेज करना होता है। तो हम मैनुअली किस तरीके से वेज करते हैं? तो तब हमें ये वेज करना होता है, और वेज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर वेज करने के लिए यहाँ पर क्लैंप करते हैं। अब क्लैंप कैसे करते हैं? क्लैंप करने के लिए नीचे वाली जो पट्टी है उसको वेज के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। क्लैंप करने के बाद में इस तरीके की पट्टी होती है एक नीचे, उसको वेज के द्वारा, जैसे इसको क्लैंप करके दोनों को जॉइंट करके इसको ऊपर उठाया जाएगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के जो स्विच होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि नीचे वाली पट्टी को वेज के द्वारा ऊपर उठाया जाता है, तो सप्लाई यहाँ पर मिल जाती है, जिससे कॉन्टैक्ट मैनुअली क्लोज हो जाते हैं। और नॉब दबती है, जैसे ही नॉब दबती है तो NCI और NOI हमारे ऑपरेट होते हैं और अपना काम करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर में जो मोबाइल जो है, मोबाइल जो एक पट्टी होती है, और क्लैंप हम जो करते हैं, क्लैंप हम फंसा करके मैनुअली करते हैं क्लैंप। इसी तरीके से हम देखते हैं ईपी को वेज करना। ईपी को वेज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसको वेज करना, ईपी को वेज करना, ईपी को किस तरीके से वेज किया जाता है? तो एक्चुअल ईपी बल्ब को वेज किया जाता है, एक्चुअल में हम ईपी को वेज नहीं करते हैं, हम ईपी बल्ब, तो एक्चुअल में हम ईपी को वेज नहीं करते हैं, ईपी बल्ब को वेज करते हैं। अब ईपी बल्ब को वेज किया जाता है, लेकिन ये ईपी बल्ब हमारा किसके साथ जुड़ा रहता है? कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जुड़ा रहता है।
इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ईपी बल्ब में हम सिक्का डाल करके इसको वेज करते हैं, सिक्का डाल कर, कोई भी सिक्का हम जैसे 5 रुपये का, 10 रुपये का, 1.5 रुपये का ऐसे सिक्का डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जब उसको मैन्युअली प्रेस करते हैं तो ईपी कॉन्टैक्टर के जो पॉइंट हैं वो क्लॉज हो जाते हैं, और तो सिक्का डाल करके इसको भेज किया जाता है। लेकिन आजकल पहले सिक्का डाल करके भेज किया जाता था, आजकल सिक्के की जगह यहाँ पर बटन आ गए हैं और बटन दबा करके इसको भेज किया जाता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल रिले के बारे में, जैसे कुछ रिले होती हैं हमारे पास में, वो किस टाइप की रिले होती हैं, इलेक्ट्रिकल रिले होती हैं, मैकेनिकल रिले होती हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर रिले के बारे में। रिले दो प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रिकल रिले, मैकेनिकल रिले, इलेक्ट्रिकल रिले, और दूसरी होती है मैकेनिकल रिले, मैकेनिकल रिले। इलेक्ट्रिकल रिले हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो करंट ऑपरेटेड होती हैं, एक वोल्टेज ऑपरेटेड होती हैं, करंट ऑपरेटेड और वोल्टेज ऑपरेटेड। मैनुअल जो रिले, मैकेनिकल जो रिले होती हैं, मैकेनिकल रिले भी दो प्रकार की होती हैं हमारी, प्रेशर रिले होती हैं, मैकेनिकल रिले में प्रेशर रिले होती हैं, प्रेशर रिले, ये किसका टाइप है, मैकेनिकल रिले में टाइप है प्रेशर रिले जो कि, और एक वैक्यूम बेस भी रिले होती है हमारी, यानी वैक्यूम पर बेस होती है वैक्यूम रिले। आजकल की वैक्यूम रिले को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं करंट रिले, करंट रिले में कौन 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 सी रिले आती हैं, जैसे कि क्यू आर एस आई करंट रिले है, क्यू एल एम करंट रिले है, क्यू डी करंट रिले है, क्यू एल ए, किसी किसी में ये क्यू एल ए भी करंट रिले हमें मिल जाती है। अब वोल्टेज रिले की बात करें, वोल्टेज रिले हमारी क्यू ओ पी है वोल्टेज रिले है, क्यू 20 है वोल्टेज रिले है, क्यू 30 है ये वोल्टेज रिले है, क्यू ओ ए भी किसी किसी में मिल जाती है। इसी तरीके से मैकेनिकल रिले में बात करें, प्रेशर रिले में आ जाती है हमारी क्यू पी डी जे प्रेशर रिले है, क्यू वी एस एल 1 एंड 2 ये प्रेशर रिले है, क्यू पी एच है, क्यू वी एम टी 1 एंड 2 है, क्यू वी आर एच एच है 1 एंड 2। क्यू वी आर एफ, क्यू वी आर एफ 1 एंड 2 है। फिर वैक्यूम रिले है, वैक्यूम रिले में आ जाती है हमारे जैसे क्यू वी एस आई, ये वैक्यूम रिले है जो आजकल बंद हो गई है। अब जैसे हमारे पास में क्या है, प्रेशर रिले में आ गई हमारे पास में, प्रेशर रिले कौन कौन सी प्रेशर रिले हैं, प्रेशर रिले जो कि मैकेनिकल में आती हैं, प्रेशर रिले जैसे क्यू पी डी जे आ जाएगी, प्रेशर रिले है क्यू पी डी जे, क्यू वी एस एल 1 एंड 2, और क्यू पी एच है, क्यू वी एम टी है, क्यू वी एम टी 1 एंड 2, क्यू वी आर एच एच, क्यू वी आर एच एच 1 एंड 2, क्यू वी आर एफ 1 एंड 2, क्यू वी आर एफ 1 एंड 2। अब इलेक्ट्रिकल रिले में जो कॉइल होती है उनके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल रिले में कॉइल, इलेक्ट्रिकल रिले में कॉइल जो होती है, इलेक्ट्रिकल रिले में कॉइल कौन कौन सी होती हैं, और इलेक्ट्रिकल रिले जो कॉइल हैं वो उनको सप्लाई हम देते हैं, वो या तो वोल्टेज देंगे या करंट देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिले हैं वोल्टेज रिले और करंट रिले कहलाती हैं। कुछ होती है हमारे पास में कंट्रोल रिले, कंट्रोल रिले, कंट्रोल रिले कौन कौन सी हैं, जैसे कि Q50 है कंट्रोल रिले है, Q100 है कंट्रोल रिले है, Q118 है ये कंट्रोल रिले है। फिर हमारे पास में आती हैं कुछ सिग्नल रिले, सिग्नल रिले कौन कौन सी हैं, जैसे QOP है सिग्नल रिले है, QOA है सिग्नल रिले है, QLM है सिग्नल रिले है, QRSI है सिग्नल रिले है, QSIT भी हमारी हो सकती है, QSIT ये कभी कभी हो सकती है, संभावना है हो सकती है। फिर हम बात करते हैं टाइम लैग रिले की, टाइम लैग रिले, टाइम लैग रिले जो है, टाइम लैग रिले सप्लाई नहीं होने पर कुछ समय तक ये काम करती है, यानी कि लैगिंग का काम करेगी, कुछ डिले करेगी, अगर का सप्लाई नहीं है तब भी ये कुछ देर तक काम करती है, कुछ देर ये काम करेगी। और एक होती है हमारे पास में जैसे कि
टाइम लैग रिले का एग्जांपल हम देखें, जैसे Q11 है, ये टाइम रिले है, टाइम लैग रिले है। एक होती है टाइम डिले रिले, टाइम डिले रिले क्या है, सप्लाई के बाद भी कुछ समय ये लेती है काम के लिए, सप्लाई के बाद भी ये कुछ समय लेती है काम करने में, सप्लाई देते हैं तब भी कुछ समय के बाद ही काम करती है, तो वो कहलाती है हमारी टाइम डिले रिले। और जो वेज हम करते हैं, जैसे वेज क्या होता है, वेज जिस तरीके से वुडन वेज होता है, पहिए के नीचे लगा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो वेज करते हैं, हम कॉन्ट्रेक्टर को वेज करते हैं, वो मैनुअली उसको कॉन्ट्रेक्टर को क्लोज करने के लिए हमें वेज करना होता है।